तो मैं आप सभी का दोस्त और होस्ट तेजस स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का WWE 2K24 की एक और मजेदार वीडियो में। और दोस्तों आज के होने वाले हमारे इस मैच में ना मेरे एक और सब्सक्राइबर की टीम फेस करेगी भाई मेरी अनडिफिटेड टीम ब्रो को। देखो दोस्तों अभी तक जितने भी टीम्स ना मेरी टीम के अगेंस्ट में फाइट करने आई हैं वो सारी की सारी टीम्स मेरी टीम से अपना मैच हारी हैं भाई। तो देखते हैं फिर आज जिस सब्सक्राइबर ने मुझे अपनी ये टीम भेजी है ना उसकी ये टीम मेरी अनडिफिटेड टीम ब्रो को हराती है या फिर मेरी अनडिफिटेड टीम प्रो इस सब्सक्राइबर की टीम को हराती है। ठीक है तो चलो दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना ये मैच। वैसे दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है भाई आज के इस टैग टीम मैच में ना क्या मेरे सब्सक्राइबर की टीम मेरी अनडिफिटेड टीम को हरा पाएगी भाई? क्योंकि देखो अभी तक जितने भी मुकाबले हुए हैं ना उसमें मेरी अनडिफिटेड टीम ने बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है भाई। और कुछ कुछ ऐसी टीमें आई है ना जिसने मेरी टीम को बहुत ही जबरदस्त टक्कर दी है भाई। पर देखते हैं कि आज जिस सब्सक्राइबर ने मुझे अपनी ये टीम भेजी है ना उसकी ये टीम मेरी अनडिफिटेड टीम के सामने कितने देर टिकती है। ठीक है फिलहाल ट्राइबल चीफ ने एक फिनिशर लगा कि बिग डॉग को थोड़ा बहुत घायल तो कर दिया लेकिन नहीं स्टोन कोल्ड सर के ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं थी भाई। रोमन एक काम करो रिंग के अंदर जा सकते हो आप क्योंकि बिग डॉग को अगर दो फिनिशर बैक टू बैक लगाते हो ना मुझे ऐसा लगता है कि बिग डॉग में ऐसे एलिमिनेट हो सकते हैं। लेकिन देखो अभी बिग डॉग के एलिमिनेट होने के चांस है नहीं भाई क्योंकि अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो रैंडी ऑर्टन और स्टोन कोल्ड ये दोनों के दोनों सुपरस्टार रिंग में आ सकते हैं बिग डॉग को बचाने के लिए। रोमन फिनिशर है आपके पास कम से कम बिग डॉग की रेजिलेंसी तो गवा सकते हो भाई आप। और बिग डॉग को मौका देना मत ठीक है क्योंकि बिग डॉग भी आप ही के प्रतिरूप हैं और जहां मौका मिलेगा वो स्पेयर लगाएंगे भाई। रोमन फिनिशर लगा सकते थे ट्राइबल चीफ। बिग डॉग के पास भी मौका है भाई उनके पास भी सुपर फिनिशर है क्या बिग डॉग के पास? अच्छा बिग डॉग के पास भी सुपर फिनिशर है लेकिन बिग डॉग का सुपर फिनिशर क्या है भाई? मुझे ऐसा लगता है कि स्पेयर और सुपरमैन पंच का कॉम्बो होगा अपने बिग डॉग के पास भी। वो तो लगाए करते थे ना ये वाले फिनिशर। नहीं नहीं रोमन इतनी जल्दी कहाँ पिन होगा भाई वो तो तुम्हारे ही प्रतिरूप है। बापरे बाप मुझे लगा कि बापरे बाप बिग डॉग कितने क्रूशियल पॉइंट पे किकआउट किया भाई। रोमन फिनिशर लगा सकते हो बहुत अच्छा भाई गिलिटिन लगा दिया ना बहुत अच्छा। लेकिन ये टूके ने भाई मैं ये देखना चाहता हूँ ना कहीं बिग डॉग को भी गिलिटिन तो देके नहीं रखा है क्योंकि बिग डॉग कहाँ गिलिटिन लगाए करते थे भाई। अच्छा हाँ मैंने तो गिलिटिन शायद हटा दिया है शायद बिग डॉग को दिया था क्या गिलिटिन? नहीं टूके ने नहीं दिया है भाई। मुझे ऐसा लगता है कि बिग डॉग के पास ना गिलिटिन वाला सिग्नेचर फिनिशर नहीं है भाई। रोमन एक फिनिशर और लगा सकते हो स्पेयर पड़ेगा मुझे लगता है। अरे दीवा अच्छा मुझे लगा कि ट्राइबल चीफ ने रिवर्स नहीं किया करके। अच्छा फिर से ट्राइबल चीफ लगाने वाले लेकिन नहीं आपके बिग डॉग ने रिवर्स कर दिया भाई। तो रोमन एक काम करो या तो बीस्ट या फिर ओमिनी मैन इसमें से किसी एक सुपरस्टार को टैग दे दो क्योंकि बिग डॉग के पास सुपर फिनिशर है भाई और मैं नहीं चाहूंगा कि ट्राइबल चीफ अभी मैच से एलिमिनेट हो जाए करके। किसी एक सुपरस्टार को टैग दे दिया रैंडी को टैग दे दिया भाई। भाई आज की ये टीम मुझे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है। हो सकता है कि ये वाली टीम आज मेरी टीम को हरा दे भाई क्योंकि देखो भाई ये तीनों के तीनों सुपरस्टार बहुत ही ज़बरदस्त है भाई और अभी तक मेरी टीम ने इन टीम में से एक भी सुपरस्टार का एलिमिनेशन किया नहीं है। रैंडी आर क्यों लगा सकते थे लेकिन नहीं ड्रॉप किक से काम चला है फिलहाल। बहुत अच्छा भाई ओमिनी मैन को टैग दे दिया ना रैंडी बच के रहना लेकिन नहीं बहुत अच्छा रैंडी ने आते ही मारना शुरू कर दिया ना। अरे रे रे ये गलती कर दी। ओमिनी मैन सुपर फिनिशर है आपके पास लगा दिया आरकेओ। लेकिन आरकेओ में मुझे ऐसा लगता है ना अभी तो ओमिनी मैन किकआउट करेंगे भाई ट्राइबल चीफ को बीच में आने की जरूरत नहीं थी यार। इस चक्कर में रोमन ने अपना मौका गवा दिया भाई। अब रिंग में तब तक नहीं आ सकते जब तक कोई सुपरस्टार उन्हें टैग दे के बुला ना ले। बहुत अच्छा रिवर्स कर दिया ना फिर से किक मारी बहुत अच्छा। ओमिनी मैन तेरे पास भी सुपर फिनिशर है भाई रैंडी को सुपर फिनिशर लगा सकता है। लेकिन स्टोन कोल्ड तो रिंग में आ नहीं सकते लेकिन बिग डॉग रिंग में आ सकते हैं भाई। अच्छा अपने बिग डॉग ने अपनी रेजिलेंसी का इस्तेमाल कर लिया क्या? ओहो सुपर फिनिशर लगा रहे थे मुझे लग रहा है ओमिनी मैन। जिस हिसाब से स्क्रीन का कलर बदला है ना मुझे ऐसा लग रहा है कि सुपर फिनिशर लगा रहे थे भाई। फंसा के पिन सवाल ही पैदा नहीं होता है फंसा के पिन इतनी जल्दी वाइपर में हो ही नहीं सकता। ओमिनी मैन फिनिशर है भाई तुम्हारे पास तो अपने फिनिशर का इस्तेमाल करके रैंडी को एलिमिनेट कर सकते हो भाई। अच्छा बीस्ट के पास भी तो सुपर फिनिशर है ना लगा सकते हैं लगा दिया सुपर फिनिशर बहुत अच्छा। अभी मुझे लगता है कि बिग डॉग आके बचा लेंगे ने टैप आउट कर दिया रैंडी ने। अच्छा टैप आउट नहीं किया भाई रैंडी ऑर्टन ने बहुत अच्छा भाई। अब ना ही स्टोन कोल्ड रिंग के अंदर आ सकते हैं और ना ही बिग डॉग रिंग में आ सकते हैं। रैंडी ऑर्टन गए भाई रैंडी ऑर्टन का एलिमिनेशन हो चुका है भाई। लेकिन स्टोन कोल्ड सर के पास तीन फिनिशर हैं भाई तो बीस्ट को बच के रहना पड़ेगा स्टोन कोल्ड सर के फिनिशर से क्योंकि उनके पास तीन तीन फिनिशर है भाई। मौका मिलते ही बीस्ट इन कॉर्नर को लगा देंगे अपना फिनिशर। बहुत अच्छा अपने कॉर्नर पे ले गए ना ले भाई। किसी एक सुपरस्टार को टैग दे दो ब्रॉक
क्योंकि आपके पास फिनिशर वगैरह नहीं है भाई, तो टैग दे सकते हो लेकिन अपने कॉर्नर पे ले जाने देंगे नहीं भाई। अच्छा बहुत अच्छा भाई, अपने कॉर्नर पे ले जाने दे दिया ना। कुछ है ट्राइबल चीफ के पास? नहीं 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 नहीं, अभी तो मेरे हिसाब से ओमिनी मैन को रिंग के अंदर होना चाहिए था भाई। ट्राइबल चीफ क्या कर रहे हैं रिंग के अंदर, क्योंकि रोमन के पास सिग्नेचर फिनिशर कुछ नहीं है भाई। और अगर उनको सिग्नेचर फिनिशर लाना है तो या तो स्टोन कोल्ड सर का सिग्नेचर फिनिशर छीनना पड़ेगा या फिर स्टोन कोल्ड सर को उतने बुरी तरह मारना पड़ेगा भाई। लेकिन स्टोन कोल्ड सर जिस हिसाब से सुपरस्टार है ना, मुझे लगता नहीं कि ट्राइबल चीफ ज़्यादा देर तक स्टोन कोल्ड सर को मारने में कामयाब हो पाएंगे करके। अच्छा रैंडी ऑर्टन क्या कर रहे हैं भाई पीछे से, इतना लंबा घूम के जाने की क्या जरूरत है बताओ? आप चाहते तो नॉर्मल तरीके से भी जा सकते थे ना भाई। अच्छा रोमन के पास सुपरमैन पंच है भाई, यानी कि ट्राइबल चीफ सुपरमैन पंच का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ बहुत अच्छा भाई। और दोस्तों एक बात और भाई, ठीक है मैं आप लोगों से एक बार फिर से कह रहा हूँ ना, अब आप लोग कोई भी मुझे अपनी टीम्स ना भेजो, क्योंकि मेरे पास इतनी ज़्यादा टीम्स हो चुकी है ना कि मेरे पास दिन कम पड़ रहे हैं कि मैं उन टीमों का मैच कब कराऊं करके। और देखो भाई अगर कोई भी मुझे अपनी टीम भेजेगा ना तो उसकी टीम का मैच अभी नहीं आएगा भाई, क्योंकि अभी मेरे पास बहुत ही सब्सक्राइबर्स की टीम हो चुकी है ना, पहले उन सब्सक्राइबर्स की टीम का मैच होगा फिर आप लोगों की टीम का मैच होगा, ठीक है? तो इसलिए मेरी आपसे यही गुजारिश है ना, अब आप लोग मुझे अपनी टीम्स ना भेजें भाई। और जिन लोगों ने मुझे अपनी टीम्स भेज दी है ना वो बिल्कुल भी चिंता मत करना भाई, एक एक करके ना मैं सारे ही जितने भी सब्सक्राइबर्स ने मुझे अपनी टीम भेजी है उन सभी टीम्स का मैच करवाऊंगा भाई। और अगर किसी सब्सक्राइबर्स की टीम छूट जाती है ना तो वो बिल्कुल भी चिंता मत करना भाई, क्योंकि लाइव स्ट्रीम में एक दिन मैं सोच रहा हूँ ना जितने भी सब्सक्राइबर्स की टीम बचेगी उन सभी सब्सक्राइबर्स की टीम का मैच करवाया जाएगा भाई, ठीक है? तो बिल्कुल भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है, बिंदास तरीके से रहो भाई। अरे ब्रो ये क्या कर रहे हो, मौका आपके पास बहुत अच्छा है, आपके पास सिग्नेचर वगैरह सब कुछ है लेकिन स्टोन कोल्ड सर को लगा सकते हो भाई। और यहाँ पर बहुत अच्छी बात यह है कि बिग डॉग भी रिंग के अंदर नहीं आ सकते हैं भाई। अगर स्टोन कोल्ड सर की रेजिलेंसी वगैरह आप गवा देते हैं ना एक बार तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के इस मैच को मेरी टीम जीत सकती है भाई। फंसा के पिन तो करा है लेकिन नहीं, इतनी जल्दी फंसा के पिन नहीं होगा भाई स्टोन कोल्ड। अरे ब्रॉक सिग्नेचर फिनिशर है भाई आपके पास, सुप्लेक्स सिटी लगा सकते हो ब्रॉक के पास सुप्लेक्स सीढ़ी है लेकिन नहीं, ये नहीं कि लगा दूं भाई, लगा दिया सुप्लेक्स, बहुत अच्छा भाई। लगाया तो है सुप्लेक्स लेकिन गलत जगह पे लगाया ना सुप्लेक्स। रोमन फिनिशर है आपके पास, रोमन के पास तीन फिनिशर, सुपरमैन पंच मत लगा देना, रिवर्स नहीं किया बीस्ट ने भाई। अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि ओमिनी मैन बचा लेंगे भाई, ओमिनी मैन अभी बचा लेंगे मुझे लगता है। अच्छा ब्रॉक ने अच्छे से स्टन मीटर ऑन कर लिया ना अपना, बहुत अच्छा भाई, आयरन जॉक को ऑन करके अपने स्टन मीटर को कम कर लिया, बहुत अच्छा भाई। ब्रॉक आपके पास फिनिशर, बिग डॉग को लगा सकते हो फिनिशर, बिग डॉग को फिनिशर लगा के कम से कम थोड़ी देर के लिए स्टन कर सकते थे पता है बीस्ट, पर ऐसा किया नहीं बीस्ट ने, बहुत अच्छा। रिंग के अंदर डालो, रिंग के अंदर ब्रॉक, जो भी फाइट करनी है रिंग के अंदर करनी है भाई, रिंग के बाहर कोई भी फाइट नहीं करनी है क्योंकि रेफरी के काउंट भी धीरे धीरे करके बनते जाएंगे ऐसे करके। रिवर्स कर दिया मुझे लगता है बिग डॉग ने, ना रिवर्स नहीं किया ना, बाप रे बाप बुरी तरीके से मार रहे हैं भाई बीस्ट तो। वैसे भी बीस्ट का तो बहुत पुराना नाता है ना बिग डॉग के साथ, तो वो ऐसे तो छोड़ने वाले नहीं है भाई बिग डॉग को। ब्रॉक आपके पास मुझे लगता है कि फिनिशर आ चुका है भाई, रिंग के अंदर ब्रॉक ऐसे एलिमेंट्स नहीं होना है भाई, बहुत अच्छा इस तरफ डाल दिया ना, बहुत अच्छा भाई। अरे यार स्टोन कोल्ड सर को फिर से टैग दे दिया, लगा सकते थे फिनिशर लगा, लग गया फिनिशर भाई। अच्छा फिनिशर नहीं लगाया भाई, मुझे लगा कि ब्रॉक लेस्टर ने अपने फिनिशर का इस्तेमाल किया है भाई, लेकिन ऐसा नहीं किया ब्रॉक ने। अच्छा बिग डॉग नहीं है लीगल सुपरस्टार, ब्रॉक स्टोन कोल्ड सर लीगल सुपरस्टार है और आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि आप स्टोन कोल्ड सर की कम से कम रेजिलेंसी तो उनके हाथ से गवा ही सकते हो भाई। फिर से ट्राइबल चीफ को टैग दे देना, इन्हें बाप रे बाप उतने कोने पे जाने के बाद यहाँ पर आए हैं भाई फिर से एक बार ब्रॉक। अच्छा बिग डॉग स्टंट हो गए ना तभी रिंग में खड़े हुए हैं, ब्रॉक फिनिशर मत खाना यार, बहुत अच्छा भाई, स्टनर को रिवर्स कर दिया, बहुत अच्छा भाई फिनिशर लगा सकते हैं, कमर लॉक लगा दिया भाई, अब टैप आउट कर सकते हैं, मुझे लगता है कि टैप आउट हो सकता है टैप, अरे नहीं किया टैप आउट। अच्छा स्टोन कोल्ड सर ने अपनी रेजिलेंसी का इस्तेमाल कर लिया क्या, क्लोज लाइन, बहुत अच्छा। अभी भी ब्रॉक के पास इतनी सुपर फिनिशर है ब्रॉक आपके पास, कहां जा रहे हो, सुपर फिनिशर लगा सकते थे, बहुत अच्छा। रोमन के पास सिग्नेचर है ना तो मुझे लगता है कि सिग्नेचर पड़ेगा भाई, क्योंकि स्टोन कोल्ड सर मुझे लगता नहीं कि किकआउट करेंगे। अब लगा दिया सुपरमैन पंच, अब बिग डॉग रिंग के अंदर आ नहीं सकते भाई, गए। मुझे लगता है कि रेजिलेंसी का इस्तेमाल नहीं करा हुआ था, गया रे रेजिलेंसी का इस्तेमाल अभी किया भाई, लेकिन अब बचना मुश्किल है ना, अब तो गिलिटिन लगेगा, गिलिटिन रिवर्स कर दिया स्टोन कोल्ड सर ने भाई। यार स्टोन कोल्ड सर ये क्या कर रहे हो भाई, जिस टाइम पे रिवर्स नहीं करना चाहिए उस समय रिवर्स कर दिया आपने,
अच्छा ब्रॉक ऐसे भी तो टैग ले सकते थे लेकिन नहीं ले रहे हैं भाई। स्पाइन बस्टर रोमन के पास बहुत अच्छा मौका क्योंकि उनके दोनों टीममेट्स ब्रॉक और ओमिनीमैन दोनों के पास में सुपर फिनिशर है भाई और दोनों ही सुपरस्टार्स को एक बार में एलिमिनेट कर सकते हैं भाई। वो नहीं अभी तो किक आउट कर देंगे भाई। रोमन अपने कॉर्नर पे जाके टैग दे सकते हो भाई क्योंकि ब्रॉक के पास भी सुपर फिनिशर है और ओमिनीमैन के पास भी सुपर फिनिशर है भाई। तो अभी मुझे ज्यादा चिंता करने की जरूरत है नहीं भाई। अरिस्टोटल से टैग देने जा रहे हैं फिर से। रोमन ये क्या था भाई, पीछे क्यों मुड़े आप? रोमन को पीछे मुड़ने की क्या जरूरत थी बताओ? अब इस तरह से तो बिग डॉग के हाथों से मार खाएंगे ना भाई। बिग डॉग के पास कुछ है, बिग डॉग के पास एक सिग्नेचर है भाई, तो मैं चाहूंगा कि रोमन अगर उस सिग्नेचर को छीन लेते हैं ना तो अपने ट्राइबल चीफ के पास एक फिनिशर सिग्नेचर हो जाएगा भाई। अच्छा रोमन ये बिग डॉग को नॉर्मल तरीके से मार के ना स्टोन कोल्ड सर आके बचा लेंगे भाई। तो मेरे हिसाब से आपको एक काम करना चाहिए ना, ओमिनीमैन या फिर ब्रॉक उनमें से किसी एक सुपरस्टार को टैग देना चाहिए। बहुत अच्छा ओमिनीमैन को टैग दे दिया, बहुत ही बढ़िया काम किया भाई। अब ओमिनीमैन देखो दिमाग लगाना, दिमाग लगाना, बिग बूट खा लिया भाई। देखो ओमिनीमैन दिमाग लगाना है ठीक है, अभी अपने सुपर फिनिशर का इस्तेमाल मत करना भाई। एक फिनिशर लगा के कम से कम उसको बहुत फिर से लगा दिया, तो सुपर फिनिशर ही लगा रहा है ओमिनीमैन, सुपर फिनिशर ही लगा रहा है भाई। ये आदमी बाज नहीं आएगा अपनी हरकतों से। अच्छा थोड़ी देर के लिए WWE 2K24 की रिंग कैसी हो जाती है देख रहे हो, जैसे सुपर फिनिशर लगने वाला होता है ना वैसे ही रिंग कैसी हो जाती है देखो आप लोग। अच्छा ड्राई फाई लगा रहे हैं, मुझे लगता है कि ट्राइबल चीफ कुछ कर सकते हैं भाई। अरे नहीं लगा दी ड्राई फाई। अच्छा ट्राइबल चीफ और बिग डॉग दोनों के दोनों सुपरस्टार ड्राई फाई का इस्तेमाल करते हैं ना, क्योंकि इसमें तो हमें ऐसा ही दिख रहा है भाई। बहुत अच्छा, रोमन से पंगा नहीं, ट्राइबल चीफ से पंगा नहीं भाई, बिग डॉग रिंग के अंदर डाल दिया। बहुत अच्छा भाई ओमिनीमैन, अभी तेरे पास बहुत अच्छा मौका है। अरे ब्रॉक रिंग के अंदर नहीं, बाहर बाहर, ब्रॉक रिंग के बाहर यार। अच्छा स्टोन कोल्ड सर आएंगे क्या अभी मैच में? अभी किक आउट करेंगे मेरे हिसाब से बिग डॉग। अरे स्टोन कोल्ड सर क्यों नहीं मैच में आए भाई? भाई इस चक्कर में मुझे लगता है कि आज स्टोन कोल्ड सर ना अपना ही मैच हारेंगे भाई। स्टोन कोल्ड सर मैच में क्यों नहीं आए भाई बचाने के लिए? किक आउट करेंगे, किक आउट तो अभी करेंगे भाई, क्योंकि अभी ओमिनीमैन की बॉडी बहुत कम डैमेज हुई है भाई, बहुत ही कम। ओमिनीमैन सुपरमैन पंच और लगा दिया, सिग्नेचर लगा दिया भाई। अब मुझे लगता है कि स्टोन कोल्ड सर भी गए 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 स्टोन कोल्ड सर भी गए, किक आउट कर दिया स्टोन कोल्ड सर ने। चलो भाई थोड़ा बहुत मैच को और लंबा खींच दिया स्टोन कोल्ड सर ने। अभी तो सुपर फिनिशर का डोज चखो भाई, अब सुपर फिनिशर खा लिया भाई। अब तो मुझे लगता नहीं कि स्टोन कोल्ड सर बचेंगे करके, सवाल ही पैदा नहीं होता भाई। थ्री भाई ओरे भाई, आज के इस मैच को भी मेरी टीम ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से जीता है भाई। अब जैसे जैसे मैचेस आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, मेरी टीम से उतनी जबरदस्त ज़्यादा तरीके से डोमिनेट होती जा रही है भाई। जितनी टीम्स को मेरी टीम ने अभी तक हराया है ना, वो सारी की सारी टीम्स बहुत ही ज़बरदस्त थी भाई, और उन सभी टीम्स को हरा के मेरी टीम और भी ज़बरदस्त बन गई भाई, और भी ज़बरदस्त है। तो चलो फिर दोस्तों, मैं मिलता हूँ आप लोगों से ऐसी एक और मज़ेदार वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखो, हंसते खेलते रहो, फिट रहो, हिट रहो। टाटा बाय बाय।